नमस्कार दोस्तों, जुपिटर में बहुत सारे वेरिएंट आ चुका है। शायद आपको भी कंफ्यूजन रहेगा कि मैं जुपिटर में कौन सा वेरिएंट ले लूं, या मैं जेडएक्स ले लूं, या मैं स्टैंडर्ड ले लूं, या मैं ग्रांडे ले लूं। दोस्तों आज मैं स्टूडेंट पे करने वाला हूं ऑल जुपिटर वेरिएंट का रियल लाइफ कंपेरिजन। दोस्तों आपको बताऊंगा सारे वेरियंट में कौन सा वेरियंट वैल्यू पर मनी है और आपको कौन सा वेरियंट परचेज करना चाहिए। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वेरियंट आपके सामने खड़ा है। जो सबसे स्टार्टिंग है वो जुपिटर क्लासिक है, और दोस्तों उसके बाद आती है आपको जुपिटर ZX, उसके बाद आती है जुपिटर ग्रांडे, और दोस्तों लास्ट वेरिएंट व्हाइट कलर का है वो जुपिटर स्टैंडर्ड है। चलिए दोस्तों जुपिटर स्टैंडर्ड से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प है इसके अंदर, और TVS का बैजिंग दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जुपिटर स्टैंडर्ड वेरिएंट का नाम लिखा है, और कुछ ऐसा है इसकी लुक। और साइड पे देख लिया तो इस कार के अंदर आपको 12 इंच व्हील मिलता है विद टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं है। और दोस्तों साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा मिलता है, जुपिटर क्रोम से लिखा है, और ये है रियर ग्रैब हैंडल सपोर्ट के लिए, और पीछे का लुक कुछ ऐसा मिलता है। और दोस्तों सारे वेरिएंट में पीछे का लुक सेम है, और फ्यूल लीड पीछे ही मिलता है, यह है ब्लैक कलर की है। और स्टैंडर्ड में दोस्तों आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता नहीं है, यानी कि प्योर ब्लैक कलर की ही मिलता है, बट इसे छोड़ के सारे वेरिएंट में आपको ड्यूअल टोन मिलता है, बीज और ब्लैक कलर की इंटीरियर मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा मिलता है, और मिरर के ऊपर आपको क्रोम वगैरह इंसर्ट स्टैंडर्ड में मिलता नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हो ZX में ग्रांडे में मिलता है। दोस्तों ये है जुपिटर ग्रांडे एडिशन, और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है LED हेडलैम्प, और जुपिटर में सारे वेरिएंट में हेलोजन मिलता है, बट इसके अंदर आपको LED मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हो ये हेलोजन है, बट जुपिटर ग्रांडे के अंदर आपको मिलता है LED, और हेलोजन से भी बेहतर रहता है LED, और यहाँ पे ग्रांडे का लिखा है। और दोस्तों बीच वाला पोर्शन सेम है, आपको इंडिकेटर वगैरह काफी बढ़िया मिलता है, स्लीक डिजाइन के साथ इंडिकेटर वगैरह आती है, और ये भी आपको 12 इंच अलॉय व्हील विद कट डिजाइन के साथ आती है, और ये अलॉय व्हील मुझे काफी पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बढ़िया है, और काफी शाइनी अलॉयज है, और मुझे ये अलॉयज मुझे काफी पसंद लगा। क्या आपको भी पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जुपिटर क्लासिक स्टाइल वाला जो क्रोम का गार्निश दिया है, और इस वजह से इसका लुक चार चंद लग जाती है। और दोस्तों इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों भी मिलता है, और ये है डिस्क ब्रेक, मेरा मानना है कि वो 130 mm का है, मैं आपको लिख लूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये सीट कवर काफी बढ़िया है, काफी स्पॉन्जी है, और ब्लैक कलर की मिलता है स्टैंडर्ड में, बट जुपिटर ग्रांडे में आपको जो ब्राउन कलर की सीट है कंपेयर टू स्टैंडर्ड ये काफी कंफर्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो ये ZX है, और ZX में भी ड्यूअल टोन मिलता है, और क्लासिक में भी आपको ड्यूअल टोन सीट्स मिलते हैं, और इंटीरियर मिलता है, और ब्लैक कलर की इंटीरियर नहीं मिलती है, बीज कलर की इंटीरियर मिलता है, और मुझे बीज कलर काफी पसंद है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये है जुपिटर ग्रांडे की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों जुपिटर ग्रांडे में आपको अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, और यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप वगैरह, टाइम वगैरह, फ्यूल गेज वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे देख लिया तो आपको कई सारे कंट्रोल सिस्टम मिलती है। कंट्रोल सिस्टम दोस्तों सारे वेरिएंट में सेम है, पास और अपर डिपर, और ये है इंडिकेटर की है, और सबसे नीचे हॉर्न का मिलता है, और ये है की, और दोस्तों और सारे में आपको बूट स्पेस सेम मिलता है। और यह है जुपिटर जो ग्रांडे की बैजिंग है काफी बढ़िया है, क्रोम फिनिश किया है, और दोस्तों
पीछे का लुक मैंने पहले ही बताया था कि सारे स्कूटी में सेम ही है और इसके अंदर भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है और ओवरऑल कुछ ऐसा लुक मिलता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू पर मनी स्कूटी जुपिटर जो ZX दोस्तों 2018 एडिशन है। और दोस्तों इसके अंदर भी आपको नॉर्मल हेलोजन मिलता है ZX के अंदर, और यहाँ पे नीचे भी आपको क्रोम गार्निश मिलता नहीं है ZX के अंदर, क्योंकि ये काफी ज्यादा वैल्यू पर मनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2018 एडिशन है, नया वाला एडिशन है। और यहाँ पे आपको मिरर के ऊपर आपको क्रोम गार्निश मिलता है, जैसा मिलता था ग्रांडे में वैसे ही ZX में मिलता है। और सबसे ज्यादा वैल्यू पर मनी वेरिएंट मैं बता रहा हूँ क्योंकि है, और सामने का कुछ ऐसा लुक मिलता है। और ये है जुपिटर की जो क्लासिकल लुक, और सेम मिलता है दोस्तों। और इसके अंदर भी आपको ड्रम और डिस्क ब्रेक का सुविधा दिया है, दो ऑप्शन है। और इसके अंदर भी आपको 12 इंच का अलॉय व्हील है, और मुझे ग्रांडे का अलॉय व्हील काफी बढ़िया दिख रहा है, शाइनी है। और आपको कौन सा बढ़िया दिख रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। यह है डिस्क ब्रेक 130 mm का है, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। और दोस्तों सारे स्कूटी के अंदर आपको डिस्क ब्रेक है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन ब्रेक हम कहते हैं वो भी इसके अंदर है। जब आप एक ही ब्रेक लगाते हो तो दोनों का ही लगता है। और जुपिटर ZX में भी आपको ऐसा लुक मिलता है, डार्जिंग काफी बढ़िया है दिखने में, एक प्रीमियम स्टाइल जैसा दिखता है। पहले दोस्तों ऐसा लुक सिर्फ क्लासिक में आता था, उसके बाद ग्रांडे में आ गया, ग्रांडे के बाद अभी ZX में आ गया है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं, जैसा मिलता है स्टैंडर्ड में वैसा ही मिलता है, और सारे बटन भी सेम है। और बीज और कलर कॉम्बिनेशन के साथ ड्यूअल टोन एक्सटीरियर मिलता है, और इंटीरियर भी ड्यूअल टोन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों दो हुक मिलता है सारे स्कूटी के अंदर, सारे वेरिएंट के अंदर दो हुक है, और दोनों हुक भी एडजस्टेबल है, चाहे तो बंद भी कर सकते हो। और दोस्तों चलिए दोस्तों इसकी जो टॉप एंड वेरिएंट क्लासिक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी आपको जो क्रोम की मिरर मिलते हैं, जो मिरर है पूरी तरह से क्रोम है, और इसका जो फिनिश हो, इसका जो लुक है चार चांद लग जाती है, बड़ा सा विंडशील्ड है, और हेलोजन लैंप के साथ आती है। बीच का लुक कुछ ऐसा है और दिखने में काफी प्यारा दिखता है। और ये है क्लासिक का बैजिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जो क्रोम गार्निश दिया है मड के ऊपर, और यहाँ पे डोर जो हैंडल के साइड पे आपको क्रोम दिया है। और क्रोम सिर्फ आपको जुपिटर के क्लासिक में मिलता है, कौन सा वेरिएंट में भी मिलता नहीं है, सिर्फ जुपिटर क्लासिक के अंदर ही आपको ये मैच देखने को मिलता है क्रोम का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों चेंज है, व्हाइट कलर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आती है, और सराउंडिंग आपको बीज कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। और मुझे जो जुपिटर की ग्रांडे का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि एनालॉग डिजिटल के साथ आती है, और इसके अंदर भी आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो जुपिटर का बैजिंग दिया है, और यह है जुपिटर ZX का बैजिंग कुछ ऐसा मिलता है, और जुपिटर का ग्रांडे का बैजिंग कुछ ऐसा मिलता है। तीनों में से मुझे दिखने में जुपिटर ZX का काफी बढ़िया दिखता है। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ सारे स्कूटी का प्राइस। दोस्तों जुपिटर की स्टैंडर्ड का प्राइस है 51,000 रुपीज, जुपिटर की जो ZX ड्रम का प्राइस है 54,000 रुपीज, जुपिटर का ZX डिस्क का प्राइस है 56,000 रुपीज, और क्लासिक एडिशन का प्राइस है 58,000 रुपीज। दोस्तों जुपिटर ग्रांडे का प्राइस है ड्रम ब्रेक वाला, उसका प्राइस है 60,000 रुपीज, और दोस्तों जुपिटर ग्रांडे का जो डिस्क ब्रेक का प्राइस है 64,000 रुपीज। सबसे ज्यादा महंगा वाला जो प्राइस है जुपिटर ग्रांडे डिस्क ब्रेक का। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जुपिटर ग्रांडे वैल्यू पर मनी है, आपको मैं प्रेफर करता हूं दोस्तों आप परचेज कीजिए जुपिटर का ZX या ZX का डिस्क, दोनों परचेज कीजिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू पर मनी रहे हैं। और कंफर्ट, माइलेज और परफॉर्मेंस में जुपिटर काफी बढ़िया है। और दोस्तों ये थे छोटा सा कंपैरिजन आपके साथ लेके आया हूँ, क्या आपको ये वीडियो पसंद है? पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालदार एपिसोड में। गुड बाय। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने का पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। फिर मिलेंगे एक मसालदार एपिसोड में। गुड बाय।